आपने देखा कि सेकंड लास्ट जो कारण था उसमें जो पुलिस आयुक्त का फोटो है उनके पीछे भगवान का फोटो लगा हुआ है। अपने पीछे खुद पुलिस आयुक्त भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ से भी ज्यादा जरूरी हाथ भगवान का है, लेकिन अब उनको ये फोटो निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये कमिश्नर की इच्छा नहीं है, इनको शायद ये आदेश दिया गया है और इसलिए अपने खुद के पीछे अपने चेयर के पीछे भगवान की फोटो लगाने वाले पुलिस कमिश्नर ऐसा आदेश नहीं दे सकते। यही साबित होगा जो सेकंड लास्ट कारण हमने दिखाया था स्क्रीन पर, उसको दिखाने के लिए मैं कहूंगा कि हम इसको भी नजर डालेंगे कि पुलिस कमिश्नर के पीछे बैकग्राउंड क्या था। आप देख सकते हैं, तब तक हम कॉलर भी लेते हैं। नमस्कार, हाँ नमस्कार सर बोलिए। जी, हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। मैं हाँ बगरवानी बोल रहा हूँ हाँ जी। सर जो आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, तो आप यहाँ के बारे में क्यों नहीं कुछ बताते हो? बिल्कुल, आप हम तक पहुंचाते जाइए, ऐसे विषयों को हम जरूर उठाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आप तक कैसे पहुँचाए ये किस्से? मतलब यहाँ भी ये बिल्कुल, होता आप है, इस हमारे यहाँ कार्यक्रम भी को होता है। खत्म होने के बाद ये जो नंबर हमारे चल रहे हैं उन नंबरों पर, हाँ हमारे ईमेल आईडी पर ऐसे विषय आप हम तक अच्छा भेज सकते हैं। देश के कोने कोने में कहीं पर भी इस देश से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई जो घटना है उसको हम अपनी पूरी ताकत से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। ये आप जिस फोटो का मैंने जिक्र किया था आप देखिए, ये इनके पीछे फोटो लगा हुआ है। पुलिस आयुक्त खुद भगवान के सहारे है, लेकिन अब पूरे पुलिस व्यवस्था को भगवान के सहारे से दूर करना चाहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार हाँ नमस्कार सर बोलिए। जी, मैं चंपौत से बोल रहा हूँ, करण उप्रेती। हाँ मेरा ये कहना है कि सर कांग्रेस सरकार जो जहाँ भी रही है तुष्टीकरण की नीति अपनाती आई है, और हमारे जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं सब चूड़ियां पहन के बैठे हैं। इसी वजह से जो है अक्सर जब भी प्रहार होते हैं सरकारों की ओर से हो चाहे दूसरे राजनीतिक लोगों की ओर से हो, हिंदू धर्म पर ही प्रहार होते आए हैं। और मेरा ये कहना है कि सर ऐसे अधिकारी जो कि हिंदू मुस्लिम या इस तरह के फरमान जारी कर एक खाई पाटने का काम कर रहे हैं या एक धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि जैसे ही आपको बोलने के लिए कहा जाता है आप अपनी बात तुरंत रखें, क्योंकि समय की कमी है और करोड़ों लोग एक साथ इस कार्यक्रम को देखते हैं। लाखों लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे फोन नहीं लगते, ऐसे में अगर आपका फोन लगा है तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार जी हाँ नमस्कार, मैं केडी पांडे झांसी से। सर धर्म बोलिए। निरपेक्षता का मतलब है सर सर्वधर्म संभव। अगर हम किसी दूसरे धर्म की भलाई नहीं कर सकते तो हमें उसकी बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। सीधी सी है बात, अधर्म होना बहुत गलत बात है, और ये सत्यपाल जी मलिक जो है ये अधर्मी कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कार्य करने की जुर्रत की है। इन्हें तुरंत, तो ये मानसिक रोगी हो सकते हैं, इनकी चेकअप करानी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ कि इनका मानसिक चेकअप कराया जाए, और अगर इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए और इन्हें बर्खास्त किया जाए। ये हिंदुस्तान में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर आरोप लगाता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं कि पुलिस थानों से भगवान के मूर्तियां, उनके फोटो, उनके नामो निशान को हटाने का आदेश हुआ है, और इस विषय पर कोई हिंदू संगठन, कोई धार्मिक संगठन, कोई राष्ट्रवादी संगठन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया इसके ऊपर सत्य समाचार आप तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। मुंबई पुलिस के कई हजार लोगों ने हमको संपर्क किया और ये कहा कि ये अन्याय हो रहा है, बिंदास बोल इसमें कुछ करे, सुदर्शन टीवी इस पर कुछ करे, और इसने हमने ये विषय निकाला है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों मुंबई पुलिस में एक मर्दानी
पुलिस इंस्पेक्टर सुजाता पाटिल ने एक कविता लिखी थी जिसके ऊपर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम सारे पुलिस वालों ने उनके ऊपर दबाव डाला था और उनको अरेस्ट करने तक की बात की थी, लेकिन हमने आवाज उठाकर उनको ऐसा होने से, उनके ऊपर अन्याय होने से बचाया था। उसके बाद मुंबई पुलिस में हो रही तमाम कई घटनाओं को हम तक वहाँ के पुलिसकर्मी पहुँचाते हैं। ऐसे ही कई लोगों ने हम तक ये बात पहुँचाई कि इस विषय पर कुछ किया जाए, और इसलिए हम ये बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं। इस विषय पर हम आपको दोबारा आह्वान करते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया का कॉल हम आपको कर रहे हैं। अगर हमारा कॉल नहीं लगता है या आपका लगता भी है तो भी आप मुंबई पुलिस को ज़रूर कॉल करिए। मुंबई पुलिस के नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, फैक्स नंबर चला रहे हैं, और उनका ईमेल आईडी भी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर से शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, चौहान साहब बोलिए। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं राजेश थापा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि ये अब वो समय आ गया है जो हर एक हिंदू भाई बहनों को आगे आना चाहिए। सिर्फ टीवी पर बैठ करके प्रतिक्रिया देना या सुनना ही काफी नहीं है, हमें अपना धर्म, अपना मान सम्मान के लिए खुद को आगे आना होगा। वरना आज पुलिस चौकी से हमारी देवी देवताओं के फोटो को हटाई गई है। एक दिन ऐसा आएगा जो हमारी मंदिर भी तोड़ी जाएंगी और हम उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अब प्यार और भाईचारे के साथ साथ अपना धर्म को भी बताना है, क्योंकि पुलिस वालों ने तो 60% तो देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, बाकी जो बची है 40% वो नेताओं ने कर दिया। अब जो कुछ करना है हम जनता ने करना है और सोचना है इस विषय में। बिल्कुल, ये जो स्क्रीन पर नंबर, धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप देख रहे हैं हम स्क्रीन पर नंबर चला रहे हैं, ये फोन नंबर भी है, फैक्स नंबर भी है, इसमें हम थोड़ी देर में ईमेल आईडी भी उनका डायरेक्ट आपको इसी स्क्रीन पर उपलब्ध कराएंगे। आज रविवार है या इसका पुनः प्रसारण जब चलेगा दूसरे दिन भी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी भी कॉल करके जो भी ऑपरेटर उठाएगा उसको आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या कमिश्नर के घर के नंबर पर को नंबर मांग पर वहां पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। सर, जय हिंद सर, मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ, बिंदासपुर का नियमित समर्थक और कॉलर। हाँ दिल्ली से जी। सर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कि आप मुद्दे उठाते हैं वो काफी प्रभावशाली होते हैं, देश पर उसका प्रभाव भी पड़ता है, लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन सर ये फरमान जो है किसी एक आयुक्त का नहीं लगता सर, ये इस पर जो कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन जो महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, इस पर एक तरीके से दिखता है कि उन्हीं का हाथ है। हमारा भारत का संविधान का जो प्रवक जो प्रकथन है, जो प्रियम्बल है, उसमें हमने एक शब्द यूज किया है सेक्युलर। सर जो सेक्युलर की बात हम यहाँ पर करते हैं पंथ निरपेक्षता की, यानी ये नहीं कि हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि हम सारे धर्मों को मानेंगे। और सर सारे धर्म को मांगने के लिए ईश्वर का कोई ना कोई, किसी ना किसी ईश्वर की स्तुति जरूर होनी चाहिए तभी, क्योंकि सर जब भी मैं एक विद्यार्थी हूँ, जब भी मेरा मनोबल गिरता है तो मैं ईश्वर से प्रेरणा लेता हूँ। हमारे इन शहीद होते हैं वो ईश्वर से प्रेरणा देने के बाद ही जाते हैं अपने लड़ने के लिए, तो इन पुलिस वालों को जो भी ईमानदार हैं, जो भी प्रेरणा लेते हैं, वो प्रेरणा कहाँ से लेंगे? वैसे ही भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पा रहा है देश, अगर ऐसे कदम उठा जाएंगे तो भ्रष्टाचार से और लिप्त होता जाएगा और देश एक ऐसे खाई की ओर चले जाएगा जिसे निकालने के लिए पता नहीं कितने महात्मा गांधी को दोबारा जन्म देना पड़े। धन्यवाद। शायद आज महात्मा गांधी होते और ये सरकार होती तो उनको कहती, बापू आप ये भजन मत गाओ जिसमें कहा गया है, बापू का पसंदीदा भजन था रघुपति राघव राजा राम, शायद ये सरकार कहती कि बापू अगर आप ये भजन गाएंगे तो आप कम्युनल है, आपके साथ सारे लोग नहीं आएंगे, इसलिए राम का भजन मत गाओ। और राम का भजन गाने के लिए गांधी को भी रोका जाता, ये ऐसी स्थिति आ गई है। कलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हबड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ। आज एक धर्मनिरपेक्षता पे, आज धर्मनिरपेक्षता पे एक राष्ट्रीय भाषा होने की बहुत जरूरत है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें एंकर का कार्य करें। हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसी बहस जल्दी ही सुदर्शन पर लेके आएंगे। इसको रोका न गया तो इसकी अंतम परिणति भारत की संस्कृति की विनष्टता होगी, और जितने भी धर्म पे मानव अधिकारवादी है कहीं न कहीं आतंकवादी राष्ट्र को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। देखिए इसमें जी धर्म व ऊर्जा है जिससे न्याय करने को बाध्य होता है, लेकिन अगर धर्म भी पुलिस जो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तब तो अब पशु हो जाएगी। जो सैनिक जय शिवानी जय भवानी भारत माता प्राण न्यौछावर करता है, अब वो क्या जय धर्म अपने को अपने देश पे कुर्बान करेगा? पूछने की जरूरत है। और एक धर्म पे राष्ट्रीय भाषा
बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हिंदू धर्म के बारे में जो विवेचना की है उसके बारे में भी नेताओं को खुलेआम बोलने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको ये भी बता दें कि हम बहुत ही जल्दी, जो कॉलर ने ये बात कही, इस विषय पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस लेकर आएंगे कि आखिर धर्म निरपेक्षता की सही व्याख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और क्या है धर्म निरपेक्षता। ये जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर जो बड़ा ड्रामा इस देश में चल रहा है उसको एक्सपोज करना, उसको नंगा करना जरूरी है, उसके नाटक को सामने लाना जरूरी है। इसलिए सुदर्शन बहुत ही जल्द ऐसी बड़ी राष्ट्रीय बहस करने वाला है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्ते सूरज जी, बोलिए। हाँ, मैं हंबीराव शिंदे महाराष्ट्र सातारा जिले से बोल रहा हूँ। हाँ, ये निर्णय जो पुलिस कमिश्नर ने किया है ना, इसे गलत निर्णय किया, और ये निर्णय पुलिस कमिश्नर का नहीं, महाराष्ट्र के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस गवर्नमेंट का है। पुलिस कमिश्नर के पीछे तो महाभारत का श्रीकृष्ण का फोटो दिख रहा है, इसका अर्थ यही है कि उनको भगवान से कोई नफरत नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उनके ऊपर थापा हुआ निर्णय है राष्ट्रवादी और कांग्रेस सरकार ने, इसलिए आदि इलेक्शन में उनको ऐसा दस्तावेज सिखानी चाहिए कि दूसरा कोई तो एनडीए का मुख्यमंत्री आना चाहिए। आदम है तो गुजरात के पुलिस कमिश्नर ऐसा करके दिखा, उसकी क्या हालत होती है गुजरात में दिखेगा। इसलिए जो महाराष्ट्र के पुलिस गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत गलत निर्णय किया है, लेकिन ये निर्णय पुलिस कमिश्नर का नहीं है, गवर्नमेंट का निर्णय है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देखी? कोई भी आंदोलन करेगा अगर इसके खिलाफ, कोई भी हिंदू संगठन, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार जाऊंगा मैं मुंबई को। आप इस कार्यक्रम को अच्छा अधिकार है, इसलिए आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। मेरा केवल इतना कहना है कि पाकिस्तान में जो 480 हिंदू आए जो अभी, उनकी कोई खबर नहीं ले रहा है। बिल्कुल, लेकिन सुदर्शन ने इस विषय पर लगातार कार्यक्रम किए हैं और जो उनका एक महीने का वीजा एक्सटेंशन हुआ है उसमें सुदर्शन का अहम रोल है। हेलो, हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। अभी जो आए हैं, हाँ, उनका कोई सुध नहीं ले रहा है। पाकिस्तान वालों उनको एक तरह से भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो हमें पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात तो अब इतनी दूर की लग रही है, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है इसको रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला कोई संगठन क्यों आवाज नहीं उठा रहा है? क्यों पुलिस स्टेशन में, मुंबई में इस विषय को नहीं उठाया जा रहा है? क्यों महाराष्ट्र के विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें इस विषय को नहीं उठाया जा रहा है? आप जिस भी दल के, हिंदू के नाम पर आपसे वोट मांगने वाले जिस भी दल का आप वोटर हैं, जो संगठन है, उनको ये बात जरूर पूछिए। अगले कॉलर। नमस्कार सर, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, रामेश्वर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में 3% नामर्द, क्योंकि इतनी प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके अंदर में क्या खून नहीं है? हमको लगा पानी हो गया, इनके खून नहीं पानी हो गया। नेता, पुलिस, सारे ये सब भ्रष्ट हैं, पूरे भ्रष्ट हो चुके हैं। ये हमारे देश को बर्बाद करने के उतारू हो गए हैं। कोई गरीब अगर आवाज उठाता तो उसको दबा देते हैं। हम गरीब हैं लेकिन हम आवाज उठाते हैं, हमको भी, अगर हम रोड पे आए तो हमको खाने, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कौन इनके ऊपर टिकेगा? इनके ऊपर कौन विश्वास है? सारे पुलिस वाले नेता, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, ये सब इतने निकम्मे हैं, इनको तुरंत फांसी सजा होना चाहिए। ये नेता सब बेकार हैं, सब चोर हैं, पूरे 100% चोर है। कांग्रेस पूरी भ्रष्ट है, वो ये इसकी तो पूरी निंदा, इतना निंदा करना बेकार है। इनको तो मार के पाकिस्तान में भेजना चाहिए, पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान से भी बेहतर है, बेकार है ये। नमस्कार सर। देखिए, जो दल इस देश पर राज कर रहा है, जो यहाँ पर वोट, सबसे ज्यादा वोट लेके सत्ता में है, उन्होंने ये बातें जरूर सुननी चाहिए। कोई कह सकता है, या कोई लोग हमको संदेश भी करते कि ऐसी बातें आप टेलीकास्ट कैसे करते हैं, लेकिन अगर ऐसी आवाज अब तक नहीं पहुंचेगी तो देश आपके बारे में क्या सोच रहा है ये कैसे पता चलेगा? सरकार, दल और बदलते रहेंगे, लेकिन इस आम आदमी की आवाज वहां तक पहुंचने की व्यवस्था अगर बदलेगी वो नहीं पहुंचेगा तो देश क्या कहता है ये सत्ताओं को कभी नहीं पता चलेगा। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर का आदेश बिल्कुल देशद्रोही आदेश है।
अगर ऐसा होता रहा तो कल के एक राजनेता के आदेश पर ये हमारे जो ऑफिसर हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर सेना को भी कहेंगे कि सांप्रदायिक सेना है, सेना का बलिदान जो होता है उसी के कारण हम सुरक्षित हो रहे हैं। और हमारे जो नेता है चैन की नींद सोते हैं, और हम लोग सवा करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो भी चैन की नींद सोते हैं। अगर ऐसा आदेश ये लोग देते रहे तो कल को जो है हम लोग गुलामी के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। ये गुलामी का नहीं तो किस चीज का प्रतीक है, वैसे भी वही हो रहा है, गुलामी की भोज, सर झुकाए सीना झुकाए खड़ी है, आदेश पे आदेश का पालन हो रहा है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, पुलिस में तुगलक की सोच पनपने लगेगी। तुगलक की सोच की वजह से ही थानों से मूर्तियां हटाने और पूजा ना करने का फरमान जारी किया है। आने वाले वक्त में ऐसे ही दूसरे तुगलक की फरमान जारी हो सकते हैं। पुलिस जवानों में कर्तव्य निष्ठा की कमी आएगी। भगवान में श्रद्धा रखना और पूजा करने का मकसद सभी का अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन करना होता है। भगवान की पूजा करते हुए हर इंसान यही प्रण लेता है कि उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, सभी लोग शांति से रहें। लेकिन आज इसी सोच को खत्म करने की साजिश हो रही है। वोट बैंक की राजनीति हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट कर सकती है। थानों से भगवान की मूर्तियां हटाना और पूजा करने से रोकने का मकसद किसी विशेष समुदाय का वोट हासिल करना है। अगर देश में ऐसी ही राजनीति चलती रही तो आने वाले वक्त में हमारी कई सांस्कृतिक परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पुलिस संविधान की बजाय नेताओं की सोच के तहत काम करने लगेगी। पुलिस के जवान भगवान की पूजा करके संविधान के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रण लेते हैं। लेकिन अब नेताओं की पूजा करके पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी।